नमस्कार देवियों और सज्जनों भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा औपचारिक रूप से शुभारंभ किए जाने वाले लासी बोरफुक के 400वीं जयंती समारोह में असम सरकार की ओर से आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं अब मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया अनुष्ठानिक रूप से दीप प्रज्वलित कर लासित बोर्डुकॉन की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करें स्थित फोकन की चारसवीं चार, चार जयंती समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री रंजीत कुमार दास जी हथकरघा और वस्त्र मंत्री श्री उड़खाऊ गौड़ा ब्रह्मा जी अन्य विशिष्ट अतिथिगण देवियों और सज्जनों अखम बाखी रायजोर लोई मोर नमस्कार मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे लोग मिले और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज एक ऐसी शख्सियत मेरे सामने बैठी हुई हैं श्रीमती विजया चक्रवर्ती मैंने बहुत कुछ सीखा आज असम के आप सभी भाई बहनों ने जिस उत्साह और प्रेम से जब से मैं गुवाहाटी आया हूँ जो स्वागत किया है उसने मेरे दिल को छुआ है आप सबके स्नेह की स्मृति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहेगी ये तो हम सब जानते हैं कि अतिथि देवो भाव की भावना असम के सभी लोगों में संस्कार में उपजी हुई है लेकिन अपनों का स्वागत करने की परंपरा सभी देशवासियों को असम के लोगों से सीखनी चाहिए क्योंकि मैं अपने को आज अतिथि नहीं मान रहा हूं मैं जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी हूं मैं अपने अपने की बात कर रहा हूं अपनों से मेरा अभिप्राय ये है कि मैं आप सबका हूं और आप सब मेरे हैं जैसे आप सब देश के नागरिक हैं उसी तरह मैं भी भारत का एक नागरिक हूं। अंतर केवल इतना ही है कि लोग मुझे प्रथम नागरिक कहते हैं इसलिए आज मेरा अपनों द्वारा अपने राष्ट्रपति के रूप में जो स्वागत किया गया है उससे मुझे अपने परिवार के साथ जुड़ने का एक सुखद एहसास हुआ है ऐसे अनोखे स्वागत के लिए मैं असम के आप सभी भाई बहनों विशेषकर गुवाहाटी के लोगों तथा मुख्यमंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूँ देवी और सज्जनों यह एक ऐतिहासिक संयोग है कि आज भारत के बलिदानी योद्धाओं की स्मृति में दिल्ली में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वार मेमोरियल की तीसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है और आज ही हम सब यहाँ असम में भारत माता के वीर सपूत लाशित बोडफुकन की चार सौवीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित एक हुए हैं भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक लाशित बोडफुकन की स्मृति को मैं नमन करता हूँ मैं असम की इस वीर जननी भूमि का भी वंदन करता हूँ जहाँ इस विख्यात नायक ने जन्म लिया था देवियों सज्जनों असम के अद्वितीय आकर्षण को व्यक्त करना भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही संभव था असम के बारे में उनकी इस पंक्ति ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी है उन्होंने कहा था गोटोई जीबोन बोन लेव ले आलेख अखम देखोर दरे ने पाऊं ईमान रखाल माटी अर्थात अनगिनत दिन और रात लगाकर जीवन भर तलाश करने के बाद भी आपको असम जैसा प्रदेश नहीं मिलेगा और यहाँ जैसी उपजाऊ माटी नहीं मिलेगी आज ही मुझे नीलांचल की पवित्र पहाड़ी पर स्थित कामाख्या आदि शक्ति पीठ में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मंदिर में मैंने देशवासियों की प्रगति और कल्याण के लिए विशेषकर युवा पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना की श्रीमंत शंकर देव के नाम पर इस परिसर का नामकरण सर्वथा समुचित है और सराहनीय भी श्रीमंत शंकर देव की भक्ति कविता और कला की अविरल धारा तथा विलक्षण योद्धा लाशित बोडफुकन की बहादुरी और बलिदान की प्रेरक विरासत असम की गौरवशाली परंपरा के दो महान पक्षों को दर्शाते हैं गुवाहाटी को ब्रह्मपुत्र का आशीर्वाद प्राप्त है उस महानत के निकट इस स्थान में मुझे ब्रह्मपुत्र के लिए वह लोकप्रिय असमिया प्रार्थना याद आ रही है जिसमें कहा गया है श्री लुइत प्रोनाम कोरो एक अर्थात केवल एक स्थान पर ब्रह्मपुत्र की पूजा करके आप गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों सहित कई तीर्थस्थलों की पूजा कर लेते हैं असम की यह धरती उन थोड़े से क्षेत्रों में से है जहाँ मध्यकाल में आक्रमणकारियों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया था भारत में अंग्रेजों के आगमन तक इस भूमि पर केवल स्थानीय राजवंशों का ही शासन रहा हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में साम्राज्य के विस्तार की अपनी मंशा को पूरा करने के लिए मुगलों ने बारंबार प्रयास किए सन सोलह में आलाबोई के संग्राम में असम के दस दस हजार बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना और भी बलवती होती गई युद्ध में जीवित बचे लोगों ने अपनी हार से सबक सीखा और तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक उन्होंने इस भूमि पर फिर से अधिकार नहीं कर लिया आलाबोई के संग्राम के दो वर्ष बाद ही वीरता की प्रतिमूर्ति लाशित बोडफुकुन ने जवाबी आक्रमण किया वर्ष सोलह में सराय घाट के ऐतिहासिक संग्राम में न केवल औरंगजेब की सेना की पराजय हुई बल्कि वह पराजय पूर्वोत्तर में मुगलों की विस्तारवादी नीतियों के ताबूत पर अंतिम कील साबित हुई सभी इतिहासकार एक मत से वीर योद्धा लाचित बोडफुकुन की रणनीतियों और अनुकरणीय सैन्य संचालन की प्रशंसा करते हैं शत्रु सेना की विशाल संख्या से विचलित हुए बिना उस निर्णायक युद्ध में लाचित बोडफुकुन की सेना विजयी हुई सेनानायक लाचित बोडफुकुन की अतुलनीय व्यूह रचना और उनके सैनिकों की बहादुरी का परिणाम ये रहा कि भारत का ये हिस्सा कभी भी मुगलों के अधीन नहीं हुआ बालक लासित का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था आगे चलकर वे अहोम साम्राज्य के सेनापति अर्थात बोरफुकन के पद तक पहुँचे उनके लिए देश परिवार से बढ़कर था और देशभक्ति के मार्ग पर चलते हुए वे, वे किसी भी बलिदान से नहीं हिंचके असम के बीच उनकी अनेक गाथाएं प्रचलित हैं 24 नवंबर के दिन उनकी जयंती राज्यभर में लाशित दिवस के रूप में मनाई जाती है देशवासियों के हृदय में लाशित एक राष्ट्र नायक के रूप में विराजमान है वर्ष उन्नीस में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में लासित बोर्डफुकन स्वर्ण पदक पुरस्कार की स्थापना की गई जो प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है उसके बाद एनडीए परिसर में उस महान योद्धा की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया सन 2018 में मुझे वीर लाशित बोडफुकन की प्रतिमा से शोभायमान एनडीए के परिसर में जाने और पासिंग आउट परेड का मुआयना करने का अवसर मिला था मुझे विश्वास है कि भारत में भविष्य में भारत के बहादुर सैनिकों के लिए लाचित बोडफुकन प्रेरणा सेत बने रहेंगे आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो लाचित बुड़फुकन का चित्र भेंट किया है उसे राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में यथा सम्मान सहित उसको डिस्प्ले किया जाएगा देवियों और सज्जनों इस समय हम अपनी आज़ादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहे हैं सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम का आयोजित किए हैं देशवासी और विशेष रूप से हमारे युवा उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं ऐसे आयोजनों से हमें अपने अतीत से जुड़ने और अपने इतिहास से पुनः गुजरने का अवसर प्राप्त होता है जब हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन की ओर देखते हैं तब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बाबा साहेब आम्बेडकर और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई जैसी अनेक विभूतियों का स्मरण करते हैं तब हमें ये भी पता चलता है कि स्वतंत्र स्वतंत्रता के लिए हमारा संघर्ष अट्ठारह से बहुत पहले से ही चलता रहा वस्तुतः सत्रहवीं शताब्दी में ही भारत माता को बंधन मुक्त कराने के लिए युद्ध करने वालों में लासित बोडफुकन और छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धा थे जो सदा के लिए पूजनीय रहेंगे हमारे सूरवीरों और वीरांगनाओं ने तथा उनके आदर्शों ने हमारे वर्तमान को ये स्वरूप दिया है हमें उन भूली बिसरी विभूतियों की स्मृति को ताजा करना चाहिए जहाँ तक लाचित बोडफुकन जैसे महान सेना नायक का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि उन्हें हमारे देश के हर घर में लोकप्रिय बनाने के लिए और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है इसलिए लाचित बोडफुकन की चार सौवीं जयंती के इन भव्य समारोहों के आयोजन के लिए मैं असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूँ इस तरह के आयोजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपनी विरासत से जुड़ने और देशभक्ति की भावना को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त होता है ऐसे महान नायकों की स्मृति में बनाए जाने वाले स्मारकों द्वारा हमारे देशवासियों को अतीत से प्रेरणा मिलेगी इसी भावना के अनुरूप असम सरकार द्वारा आलाबोई रण क्षेत्र में एक युद्ध स्मारक का निर्माण करने और 5 अगस्त के दिन को आलाबोई संग्राम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है महान योद्धा लाशित बोडफुकन की देशभक्ति का उत्सव मनाते हुए हम सब उस सौर और पराक्रम का उत्सव मना रहे हैं जिसने राष्ट्रप्रेम की भावना को हमारे हृदय में आज भी जीवित रखा है मैं देवियों और सज्जनों मैं एक बार फिर महान सेनानायक लाचित बोडफुकन की स्मृति में इस भव्य समारोह के आयोजन के लिए श्री हेमंत विश्व शर्मा और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं साथ ही मैं आप सबको और असम के सभी लोगों को इस समारोह में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आप सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद जय हिंद अपना